हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है आपके लिए। हीरो हंग को रीलॉन्च करने वाला है इंडियन मार्केट में। कब लॉन्च होगा और ये कितने सीसी का बाइक होने वाला है वो आपको मैं बताऊंगा। जैसे आप जानते हो कि हीरो होंडा जब था, होंडा और हीरो का पार्टनरशिप था, तो तब हीरो होंडा हंग को सेल करता था सीबीजी एक्सट्रीम के साथ। तो लो कस्टमर्स के साथ दो ऑप्शन होते थे, उनको सीबीजी एक्सट्रीम लेना है या हीरो होंडा हंग लेना है, और लोग सीबीजी एक्सट्रीम को लेना पसंद करते थे। और हीरो होंडा का सेल्स बहुत डाउन हो गया, फिर हीरो होंडा ने सोचा कि बाय इस बाइक को हम डिसकंटिन्यू कर देते हैं हमारे मार्केट में, क्योंकि पॉपुलर नहीं है। डिसकंटिन्यू होने के बाद, इतने सालों के बाद, अभी हीरो सोच रहा है इसको रिलॉन्च करने के लिए। बट ये थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है, क्योंकि इसमें नए वाले हीरो हंग में जैसा क्लियरली देख सकते हो, कोई भी ऐसा स्पाई शॉट्स नहीं है। ये क्लियरली अनवील्ड है बाइक विदाउट एनी ग्राफिक्स, तो आप वहाँ पे देख के क्लियरली बता सकते हो कि इसमें और एक्सट्रीम 160R में डिज़ाइन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। स्पेशली पीछे की तरफ से देखते हो तो सेम टेल लैम्प है, कोई डिफरेंस नहीं है। बस शेप थोड़ा टैंक का शेप और थोड़ा बहुत मस्कुलर इन्होंने बनाया है, बट ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। बट आप पुराने वाले हंग को देखते हो और इसको हीरो होंडा सीबीजी एक्सट्रीम के साथ कंपेयर करते हो, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता था। अभी ये जो बाइक है, ये लोअर एंड के 150 सीसी के बाइक्स के साथ कम्पीट करने वाला है। टैंक डिज़ाइन की बात करें, कोई डिफरेंस नहीं है। आप ओवरऑल बाइक को देखो, इंजन भी देखते हो, तो ये कोई एक्सट्रीम 200R का इंजन नहीं है, एक्सट्रीम 160R का ही इंजन है। तो ये 150 सीसी का बाइक होने वाला है और हीरो इसको डीट्यून करने वाला है, तो पावर भी आपको थोड़ा कम मिलेगा, माइलेज थोड़ा बेटर मिल सकता है और स्मूथनेस भी इम्प्रूव होगा। इसमें आपको सिंगल चैनल ABS आएगा, पीछे डिस्क का ऑप्शन भी मिलेगा, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का ऑप्शन भी मिलने वाला है। और इसमें दो वेरिएंट आने वाले हैं। बेस वेरिएंट में आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी नहीं मिलेगा, और जो टॉप वेरिएंट है उसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के फीचर मिलेंगे, अलॉय व्हील्स भी मिलेंगे, और ये सारे जो बेसिक से फीचर्स है जो आप इस सेगमेंट में देखते आ रहे हो, वो सब आपको इस बाइक में देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि हीरो होंडा ग्लोबली बंद हो चुका है, हीरो होंडा जो हंक है, हीरो हंक है, वो अभी भी एक्सपोर्ट किया जाता है। इस दोनों बाइक्स को आप देखते हो ना, तो बोलना मुश्किल है कि एक्सट्रीम 200 कौन सा है, एक्सट्रीम 160 कौन सा है और हंक कौन सा है। इन दोनों में इतना ज़्यादा सिमिलरिटी है, और ये कम्पीट करेगा सेगमेंट लीडर के साथ, वो है यूनिकॉर्न और पल्सर 150। आपको लगता है कि ये पल्सर 150 यूनिकॉर्न के साथ अगर कम्पीट कर सकते हैं तो प्लीज़ बताइए, क्योंकि एक्सट्रीम 200 और एक्सट्रीम 160 का सेल उतना ज़्यादा नहीं है। तो आपको लगता है कि हंग का सेल होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। इस डेट की बात करें तो ये अगले साल लॉन्च होने वाला है, और इसके इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो 15 ब्रेक हॉर्स और 14 न्यूटन मीटर का टॉर्क है, जो सारे नॉर्मल ये 150 सीसी बाइक्स में सेम आते हैं। तो अगर आपको लगता है ये बहुत बड़ा हिट होने वाला है मार्केट में, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको लगता है ये नॉर्मल सा प्रोडक्ट है और डिसअपॉइंटेड है आप इसके लॉन्च के साथ, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में वो भी बताइए। आपसे फिर से मिलूंगा, टेक केयर, ऑलवेज राइड सेफ, वेयर योर हेलमेट, बाय बाय।